56 इंच का सीना बोल देने से नहीं होता है। आपके सीने में गरीबों के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए कोई जगह नहीं। गृह मंत्री 3-3 दिन रह गए मणिपुर में, 3 दिन वो कैंप किए, उसके बाद भी यह घटना घटी नहीं और बढ़ती चली गई। वो रोकने के लिए गए थे कि बढ़ाने के लिए गए थे, इसकी इसका चिंता मुझे। अगर ये लोग फिर कंटिन्यू कर गए दोनों, मोदी और अमित शाह, तो पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटेगी और हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत गांधी का भारत है ये, गोडसे का भारत नहीं है ये। एनडीए का मतलब होता गोडसे, इंडिया का मतलब होता गांधी भारत। थाल हो, आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़ा कमजोर वर्ग हो चाहे अल्पसंख्यक हो, मैं तमाम लोगों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस राजपाट में मोदी और अमित शाह के ही में सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है, पूरा देश शर्मसार हुआ है इस घटना से, और यूं कहे कि पूरा मानवता शर्मसार हुआ है। क्या वजह है कि इस तरीके की घटनाएं चाहकर भी सरकार नहीं रोक पाती, या इसके पीछे कोई और घटना है? महिला हिंसा हर स्टेट में लगभग आपको ज़्यादातर दिखाई देगा, घरों में भी। तो क्या जो किताबों में मिलता है ज्ञान, जो नेताओं के भाषण में दिया जाता है बयान, उसका पब्लिक या उसका आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता? एक पुराने नेता के पास आए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं फुरकान अंसारी जी, आप जो ये घटना घटी मणिपुर की, इसको पहले आप किस रूप में देखते? इससे इस घटना से पूरे देश शर्मसार है, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी इस राजपाट में, इसकी चिंता हमको ज़्यादा हो गई है। अभी गृह मंत्री 3-3 दिन रह गए मणिपुर में, 3 दिन वो कैंप किए, उसके बाद भी यह घटना घटी नहीं और बढ़ती चली गई। वो रोकने के लिए गए थे कि बढ़ाने के लिए गए थे, इसकी इसका चिंता मुझे है। इस बात को हम जानना चाहते हैं गृह मंत्री से, आप रोकने के लिए गए थे कि बढ़ाने के लिए गए थे? राहुल गांधी भी गए थे, राहुल गांधी कोई मैंने भारत सरकार का कोई ये नहीं है, राहुल गांधी एज ए कांग्रेस लीडर गए थे, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया। पावर तो गृह मंत्री के पास था ना, पावर तो गृह मंत्री के पास है, जो रोकने के लिए गए थे वहां पर वो रोक नहीं सके। तो ये हम जानना चाहते हैं गृह मंत्री से कि आप रोकने के लिए गए थे कि और उसको बढ़ावा देने के लिए? आप हटे उसके बाद में और भी कई सौ चर्चों में आग लग गई, तो आप किस लिए गए थे वहां पर? चर्च में आग लगवाने के लिए, बहू बेटी की इज्जत लुटवाने के लिए गए थे क्या आप? ये हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं। एक और दूसरी बात है, मैंने अभी कहा मणिपुर की जो घटना है, अगर ये लोग फिर कंटिन्यू कर गए दोनों, मोदी और अमित शाह, तो पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटेगी और हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। इस बात के तमाम लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए। अगर फिर से भाजपा की सरकार बनी, फिर से बन गई, तो इस बात की चिंता सबों को मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद नेताओं का ट्वीट आता है, कई प्रदेश का तुलना एग्जाम्पल दिया जाता है कि अमुक स्टेट में भी ये हाल है, वहाँ भी ये हाल है, कोई तर्क देता है कि कैसे बाय फोर्स किसी को रोक देगी पुलिस, किसके मन में क्या उत्पन्न है, क्या भाव चल रहा है, वो कैसे जान ले? ये मामला कब उठा? जब मणिपुर की घटना जब उजागर हुई, तब आप उठा रहे हैं कि बंगाल में इसी घटना घट रही है, राजस्थान में इसी घटना घट रही है। क्यों घट रही है? जब घटना घटी तो उसी वक्त आपको उजागर करना चाहिए था, उस वक्त ही आपको इन बातों को रखना चाहिए था, आपको मणिपुर की घटनाओं को ढकने के लिए, उसमें जो आपकी नाकामी है उसको छिपाने के लिए आप इन बातों को आगे कर दे रहे हैं। आप संथाल से आते हैं, बीजेपी आक्रामक है, जब से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है मणिपुर की घटना को लेकर, कि आए दिन आदिम जनजातियों की बहू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, ट्राइबल के साथ हो रहा है,
पर वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आता, सत्ता तक वो आवाज़ नहीं जाती। क्या सच्चाई है, आज क्या हालात है संथाल को? देखिए, वो संथाल हो, आदिवासी हो, या दलित हो, या पिछड़ा कमज़ोर वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, मैं तमाम लोगों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस राजपाट में मोदी और अमित शाह के ही में सुरक्षित नहीं है लोग। जब आदिवासी के सर पर आप पेशाब करवा दे रहे हैं महाराज, इससे भी कोई इससे बड़ी ऐतिहासिक घटना इससे घटना घटी है इसमें से? ऐसा होता है क्या? दलित को आप जूता चटवा रहे हैं, ऐसी घटना घटी है कभी क्या कांग्रेस के समय में? इतना अपमानित करना, इतना प्रताड़ित करना, इतना नीची भाव से देखना, ये सामंती विचारधारा है। ये आप सामंती विचारधारा का आदमी हैं और आप गरीबों के लिए आपके सीने में कोई जगह नहीं है। ये 56 इंच 56 इंच का सीना बोल देने से नहीं होता है। आपके सीने में गरीबों के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए कोई जगह। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का प्रॉब्लम है। आपकी सरकार पे भी उंगली उठ रहा है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी है, यहाँ भी उठा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है तो बीजेपी की सरकार, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन है वहां पर। मणिपुर में डबल इंजन है, जहां जहां डबल इंजन है उसके बाद में दोनों इंजन लगे हुए हैं, उसके बाद में ये हालत हो रही है। इसलिए मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि इस तरह घटनाएं घटती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसको नहीं रोका गया तो अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी हमारी। तो उपाय क्या है? सिर्फ मोदी और अमित शाह को हटाना? इस देश से मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को हटाना ही पड़ेगा, सबों को मिलकर को इंडिया को जिताना पड़ेगा। इंडिया जीतेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अरे भारत सभी का है, भारत बिल्कुल, भारत गांधी का भारत है, ये गोडसे का भारत नहीं है। ये एनडी का मतलब होता गोडसे, इंडिया का मतलब होता गांधी भारत, महात्मा गांधी का भारत। इसलिए भारत की जीत होगी, इंडिया की जीत होगी। हम तमाम लोगों से भी कहेंगे कि गांधी का साथ दीजिए, इंडिया का साथ दीजिए। शुक्रिया। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं फुरकान साहब कि इस तरीके की हरकत इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जब खुद देश के गृह मंत्री 3 दिन तक वहाँ रहे तो क्यों घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा, वो बताना चाहिए। और कह रहे हैं अगर फिर से रिपीट हुई एनडीए की सरकार तो ये हालात आपको अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा, इसलिए इंडिया को जिताइए, एनडीए को नहीं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in